स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग वर्ड्स पढ़े, जैसे इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब एक्स एक्सिस के साथ इनिशियली आपका जो पार्टिकल है वो कितना एंगल बना रहा है, वो है ना, उसको हमने बोला इनिशियल फेज, दैट इज फाई। और एट टाइम टी इक्वल टू टी उसने टोटल जो एंगल बनाया है दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई एक्स एक्सिस के साथ, उसको हमने बताया एट टाइम टी इक्वल टू टी जो फेज है वो टोटल फेज आप बोल सकते हो उसको, तो फेज भी पढ़ा हमने। और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला भी हमने बनाई, जैसे एक्स एक्सिस के साथ उसका जो प्रोजेक्शन बन रहा था वो था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और वाई पर उसका प्रोजेक्शन था वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसे हमने ये चीज सारी चीज़ें पढ़ी है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिर से हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सपोज़ ये जो हमने सर्कल जो दिखाया है जिसका रेडियस मैं ले रही हूँ कैपिटल ए, ये जो हमारा पार्टिकल है वो एट टाइम टी इक्वल टू टी सपोज यहाँ पर है, और उसने टोटल जो एंगल बनाया है लेट द एंगल बी ओमेगा टी प्लस फाई, जो हमने जहाँ पर फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज। यहाँ पर हम सपोज ऐसा ले रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ मोशन कर रहा है, तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो है ए, एंड एंगुलर स्पीड जो है वो है सपोज ओमेगा। तो आप जानते हैं, आपने ऐसा इक्वेशन पढ़ा है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू है हमारा कैपिटल ए, तो वी इक्वल टू होगा ए ओमेगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है आप ये भी जानते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है ऑलवेज, तो जो हमारा जो सर्कल है उसका जो टेंजेंट होता है उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, या फिर बोलोगे आप यहाँ पर स्पीड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। अब मुझे यहाँ पर ये करना है कि इसके भी मुझे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो वो चीज़ आप अच्छे से देखना कि ये जो है ए ओमेगा, तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, तो एक इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बन गए इसके। अब इसका जो एंगल बनेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पर टोटल जो ये जेड बन रहा है इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, देखना अच्छे से। अगर ये ओमेगा टी प्लस फाई है और आप जानते हैं ये रेडियस वाली लाइन है और ये टेंजेंट वाली, तो ये ऑलवेज दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो मैंने येलो दो लाइंस दिखाई है वो एक टोटल एंगल 90 बना रही है, तो इसमें से इतना ओमेगा टी प्लस फाई होगा तो ये एंगल कितना होगा, तो ये बाकी जो है 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हुआ। तो ये अगर 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, आप देख सकते हैं ये वाला टोटल एंगल 90 है, इसीलिए ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, देखो यहाँ पर ऐसा बन रहा है, ये जो टेंजेंट है वो ये है ए ओमेगा वाला, राइट। ये था ओमेगा टी प्लस फाइव, मैं इसको सपोज अभी थीटा लिख रही हूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। आपको ये टोटल 90 दिख रहा है, तो ये 90 में से इतना थीटा निकल गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये दोनों को ऐड करोगे तो 90 होना चाहिए। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो अब देखो ये दोनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं आपको, एक ये वाला और ये है ना, तो ये 90 लग रहा है, तो इसमें से इतना 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा ही होना चाहिए, थीटा की जगह पर ओमेगा टी प्लस फाइव रखेंगे, ओके। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, तो इसका मतलब आपका ये वाला एंगल जो है ए ओमेगा जो है इसका, ये वाला एंगल बन गया ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये कंपोनेंट कॉस होगा तो ये वाला साइन होगा, तो और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब आपका पार्टिकल सपोज ऐसे मोशन कर रहा है ऐसे ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी वी, तो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, इसलिए मैं नेगेटिव लिखूंगी, तो एट टाइम टी वी इक्वल टू क्या होगी मेरी फॉर्मूला, तो माइनस मैं लिख रही हूँ ए ओमेगा, और कंपोनेंट कौन सा मिला हमें, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने लिया, सिर्फ इतना ही किया है कि जो स्पीड है वो है ए ओमेगा, तो ए ओमेगा के मैंने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाए, एक साइन होगा एक कॉस होगा, तो इस डायरेक्शन वाला ऐसे मोशन हो रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट होगा वो माइनस साइन होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में है इसलिए, ओके। तो इस डायरेक्शन में इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है, और कैसे ये एंगल बना वो मैंने फिर से यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, तो आप ऐसा लगे तो रिपीट करके ये चीज़ देख लेना। तो ये हमें जो फॉर्मूला जो मिल रही है वेलोसिटी की,
वो ऐसे मिलेगी। आप इसी चीज़ को आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब आप जानते हैं कि अगर हमारे पास x की फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, x ऑफ t इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो v मिलेगा, है ना, dx बाई dt करोगे तो, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। तो मैं t के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, तो a cos का क्या होता है, माइनस साइन। तो ये आपने जो किया वो सिर्फ थीटा का किया, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। मैंने अगर ऐसा लिखा है d बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, या फिर अभी लिख रही हूँ cos थीटा, तो ये थीटा है ये t है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं पॉसिबल, इसलिए मैं इसको d थीटा से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगी। तो अब ये दोनों की प्लेस चेंज करो, d थीटा और d t की, तो ये d थीटा यहाँ गया, ये d t यहाँ गया, तो यहाँ पर है cos थीटा का, थीटा के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो आपको माइनस साइन थीटा लिखना होता है। फिर बच गया d थीटा बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ थीटा, और हमारा यहाँ थीटा टोटल कितना है, ओमेगा t प्लस फाइव, तो फाइव तो कांस्टेंट है तो उसका तो डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा, तो वो तो जीरो होने वाला है, और ओमेगा इंटू टी है तो उसका टी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या होने वाला है, ओमेगा। इसीलिए आपका आंसर आ रहा है माइनस ओमेगा साइन थीटा, और ए तो था ही, ओके, इसीलिए आपका आंसर ऐसा बना है, ध्यान से देख लेना। तो ये चीज़ आपकी ये हो गई, और इस इंटू ओमेगा आया इसलिए मैं यहाँ पर ओमेगा लिख रही हूँ, तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम ही ऐसे बन रहे हैं, ओके? तो दो चीज़ हो गई, बाय फिगर आप ये चीज़ लिख सकते हो, या इससे आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे डिस्प्लेसमेंट का, तो भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू मिल सकती है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका जो है वो मुझे अलग जो है वो कुछ फॉर्म मुझे x के फॉर्म में इसी इक्वेशन को लिखना है, तो हम कैसे लिखने वाले हैं वो आप ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, देखो यहाँ पर v की जो फॉर्मूला बन रही है मैं फिर से लिख रही हूँ, क्या है, माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसी फॉर्मूला है। नाउ आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ लेकर जा सकते हैं, या फिर साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ कर रही हूँ। तो वी ऑफ टी इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस ए ओमेगा को मैं ऐसे ही रख रही हूँ, और साइन थीटा की जगह पर मैं ले रही हूँ अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, क्या है थीटा, मतलब हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ए को अंदर लेकर जा रहे हैं, तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, ये ए अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और आप जानते हैं कि एक्स की फॉर्मूला है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो फाइनली वी ऑफ टी इक्वल टू मेरा जो इक्वेशन बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है माइनस ओमेगा इंटू, या फिर स्क्वायर रूट जब लेते हैं तब हम यहाँ पर प्लस और माइनस साइन लगाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही लिख रही हूँ, ओके, क्योंकि प्लस भी हो सकता है हमारा आंसर, माइनस भी हो सकता है, इसलिए तो ओमेगा इंटू अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आप हम अलग अलग सिचुएशन ले सकते हैं, जब x इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ से ए टर्म जीरो हो गई, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, प्लस और माइनस ए ओमेगा। पर्टिकुलर अगर मुझे v मैक्सिमम चाहिए तो आप ले सकते हो ए ओमेगा। तो जब हमने वो ऑसिलेशन वाला ऐसा देखा था लास्ट टॉपिक, x इक्वल टू ये माइनस ए पोजिशन थी, ये जीरो थी और ये प्लस ए थी, तब मैंने बोला था कि यहाँ पर v मैक्सिमम लिखा होगा, क्यों, एट x इक्वल टू जीरो आपको v कैसा मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है ए ओमेगा, इसीलिए, ओके। अब आप इसी इक्वेशन में आप x इक्वल टू प्लस ए लोगे कि माइनस ए लोगे, दोनों चीज़ों में उसका स्क्वायर है तो माइनस ए का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब यहाँ पर v मैक्सिमम होगा लेकिन यहाँ पर v जीरो होगा और यहाँ पर भी v क्या होगा, जीरो। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक आपको ये दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ये
स्क्वायर रूट वाली फॉर्मूला। ओके, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये ध्यान में रखना इतना ही ज़रूरी है। तो ये बात जो हो गई बात वो है वेलोसिटी की हो गई। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको आप अच्छे से लिख भी लेना क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमने कुछ और नहीं किया इसका, या तो फिगर से लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, या फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करके लिख सकते हैं। और इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज़ किया, और यहाँ पर एक को अंदर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो गया, और ये टर्म को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारी कुछ ऐसी बन रही है। अब एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इसी में थोड़ा सा चेंज करके हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। देखो, आपने जो जो फॉर्मूला पढ़ी है वो भी आप ध्यान रखना। फिर से अगर हम ले रहे हैं वही रेडियस है, एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो, यहाँ पर ओमेगा है, आपका पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू टी यहाँ पर था। ओके, तो ये आपका पार्टिकल हो गया एट टाइम टी इक्वल टू टी, तो ये एंगल कितना होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव। आप जानते हैं यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो किस डिरेक्शन में होता है, टूवर्ड्स द सेंटर, है ना। और एक्सेलरेशन की फॉर्मूला भी हम जानते हैं, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो इसी फॉर्मूला से आप यहाँ पर ले सकते हैं ए इक्वल टू वी स्क्वायर, आर रेडियस हमने यहाँ पर लिया है कैपिटल ए, तो आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय ए, या फिर वी इक्वल टू हमने पढ़ा था आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारी ये फॉर्मूला बन रही है ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया ए ओमेगा स्क्वायर। फिर से इसके भी हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, इस एक इस डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पर तो सिंपल है, जेड ही बन रहा है, तो ये एंगल कौन सा बनेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ये जेड बन रहा है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है इसीलिए। और आप देख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हम लिखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में, इसीलिए नेगेटिव होगा, और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, इसके साथ एंगल बनाए इसीलिए कॉस होगा। तो आप एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू सिंपल ले सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसका कंपोनेंट ले रहे हैं ए ओमेगा स्क्वायर का ले रहे हैं, इसलिए ए ओमेगा स्क्वायर लिखा मैंने, कॉस है कंपोनेंट इसलिए कॉस लिखा, इस डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस लिखा। तो आपके लिए ये वाली फॉर्मूला बन गई। ओके, अब वही चीज़ फिर से आपके पास जो थी एक्स की फॉर्मूला ऐसी थी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव था, उसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया, मतलब डी एक्स बाई डी टी लिया, उसको हमने वी लिखा, तो ये हमारा कुछ आंसर ऐसा आया, ए तो ए ही था, कॉस का हो रहा था माइनस साइन, और ब्रैकेट का फिर से डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा टी का हो गया ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा आया था, तो ए वी का आपको डिफरेंशिएशन करके आंसर मिला। अब वही चीज़ कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए, हम जानते हैं एक्सेलरेशन मतलब डी वी बाय डी टी, तो इसको भी बाय डी टी करोगे तो माइनस ए ओमेगा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा, तो मैं लिख रही हूँ कॉस थीटा, साइन का मैंने ले लिया कॉस थीटा। अब थीटा फिर से देखो, उसमें ओमेगा टी वाली टर्म है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर ऐसे बनेगा। तो देखो वही सेम इक्वेशन हमें यहाँ से मिल रहा है। ओके, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव दैट इज एक्स, तो यहाँ पर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पर एक्स रखोगे तो ए ऑफ टी इक्वल टू हमारा आंसर सिंपल बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो तो सिंपल चीज़ हो गई, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो ए भी जीरो होगा, राइट। अगर एक्स इक्वल टू प्लस ए लोगे तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो ए इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए लोगे तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होने की वजह से प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, तो एक्सेलरेशन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिए हैं, वो ग्राफ भी समझना ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है, जो हमने पहले भी लास्ट टाइम ड्रॉ किया था, वो है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम पीरियड का ग्राफ। जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा प्लस ए मिल रहा था, राइट। तो हमारा ग्राफ ऐसा बना था, टाइम टी इक्वल टू टी बाई फोर था तब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इसी इक्वेशन में हमने फाइव इक्वल टू जीरो लिया था और टी की अलग अलग वैल्यू रखी थी, और उससे हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा था।
एट टाइम टी इक्वल टू 2t/4 था तब हमारा आंसर आया था माइनस ए, देन 3t/4 था तब आया था जीरो, एंड 4t/4 दैट इज टाइम पीरियड टी था तब हमारा आंसर क्या मिल रहा था, फिर से प्लस ए. तो हमारा ग्राफ ऐसा बना था. ओके तो ये जो है हमारा ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है. फिर उसके बाद तो वही चीज़ वापस रिपीट होने वाली है, वो आप जानते हैं. अब मुझे ग्राफ बनाना है वही वैल्यूज़ के लिए, वेलोसिटी का, वी ऑफ टी का. तो वी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, माइनस ए ओमेगा और प्लस ए ओमेगा, है ना. इस तरफ माइनस ए ओमेगा होगा, इस तरफ क्या होगा, प्लस ए ओमेगा. अब देखो इसी इक्वेशन में आप देखो, फाइव मैंने जीरो ले लिया. ओके जब टाइम टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, साइन जीरो जीरो. तो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके देन जब यहाँ पर टी इक्वल टू टी बाई फोर रखोगे, तो मैं यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन दिखा रही हूँ, वी इक्वल टू है माइनस ए ओमेगा इंटू साइन, ओमेगा की जगह पर मैं लिख रही हूँ 2π/t, एंड स्मॉल टी की वैल्यू मैं ले रही हूँ पहले टी बाई फोर, टी एंड टी कैंसल आउट, 2 2 ज़ा 4, साइन पाई बाई टू बचा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1, लेकिन माइनस है तो माइनस ए ओमेगा आंसर आया. तो आपका जो ग्राफ होगा वो उसमें टी बाई फोर के लिए आंसर आया माइनस ए ओमेगा. देन 2t/4 रखोगे आप, देखो 2t/4, तो यहाँ मैं 2 कर दूँ सिर्फ, तो क्या होगा आपका आंसर साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आपका आंसर यहाँ आएगा 0. फिर 3π/4 रखोगे तो आपका आंसर आएगा ये माइनस हो जाएगा तो प्लस ए ओमेगा. तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है. देखो ये 3t/4 के लिए है, देन t के लिए. ओके ऐसा कुछ ग्राफ आपका बन रहा है. उसके बाद आपको सिर्फ ग्राफ जब आप ड्रॉ कर रहे हो तब थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो टाइम पीरियड सेम है उसके लिए भी वैल्यू 3t/4 के लिए यहाँ आएगा ये. आप वैल्यू रख के चेक कर भी सकते हैं, और इसके लिए 0 आ रहा है तो ऐसा ग्राफ होगा 0, टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 होगा, फिर वो वही चीज़ रिपीट होने वाली है. तो ये वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बना. ये मैं यहाँ से मिटा रही हूँ जिससे मैं ड्रॉ कर सकूँ. देखो अब एक्सेलरेशन के लिए ड्रॉ करना है मुझे ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ. तो एक्सेलरेशन का ग्राफ आप देखो, तो क्या है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो जो एक्स का ग्राफ होगा उसको एक्स की वैल्यू को सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिर्फ फर्क कितना पड़ेगा, ये प्लस है तब ये माइनस है ना, ये माइनस होगा तब ये प्लस होगा. तो इससे प्रॉपरली उल्टा ग्राफ बनेगा. देखो जब इसकी वैल्यू प्लस ए है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इस तरफ, और या इस तरफ प्लस ए ओमेगा स्क्वायर. तो देखो ये प्लस ए है तब ये माइनस होगा क्योंकि एक्स के आगे माइनस साइन है, इसीलिए ये जब जीरो होगा तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही होगा. फिर उसके बाद क्या आएगा, इस तरफ आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर. तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है ना, प्रॉपर टाइम पीरियड लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x और a दोनों ग्राफ एक दूसरे से 100% उल्टे ही बन रहे हैं. तो दोनों में फेज डिफरेंस आप बोल सकते हो कितना है, पाई जितना. कितना डिफरेंस है, पाई फेज डिफरेंस है. क्योंकि हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं ये मिटा रही हूँ, देखो सपोज ये वैल्यू अगर मैं बात करूँ ना, तो ये अगर थीटा की बात करूँ तो ये जीरो होता है, यहाँ पर होता है पाई बाई टू, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π. तो अगर कोई ग्राफ मुझे इससे उल्टा मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है मतलब ये जब ये मैक्सिमम इस तरफ है तब ये वाला इस तरफ है, तो पाई के बाद वो उल्टा होगा, है ना. मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, पाई जितना. तो ये एक्स और एक्सेलरेशन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है आप बोल सकते हो, पाई जितना. और ये दोनों में कितना है, देखो ये यहाँ से इतना पार्ट ज़्यादा है, उसके बाद ये वाला तो यहीं से रिपीट हुआ. वेलोसिटी का ग्राफ और एक्स का ग्राफ दोनों में डिफरेंस देखो इतना ही है, इसके बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है, उसके पीछे आ रही है. तो इतना डिफरेंस मतलब इतना ये पार्ट, तो ये कितना डिफरेंस हुआ, पाई बाई टू. तो इसमें फेज डिफरेंस आप बोल सकते हैं पाई बाई टू जितना है. तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी समझनी. अब उसके अकॉर्डिंग एक इलस्ट्रेशन है वो भी देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 5.
क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू, इक्वेशन दिया है 5 cos 2πt + π/4। एट टाइम t इक्वल टू 1.5 सेकेंड आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तीनों चीज़ें आपको चाहिए। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, t की वैल्यू रखनी है। x ऑफ t इक्वल टू हमें 5 cos कितना दिया है 2πt, t की वैल्यू मैं 1.5 रख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं 1.5 × 2 दैट विल बी 3, तो 3π + π/4 हुआ। अब देखो ये जो है हमारा यूनिट सर्कल, उसमें ये एंगल 0 है, ये हो गया π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, यहाँ पर आओगे तो 2π, फिर यहाँ आओगे तो 3π, यहाँ से यहाँ आओगे तो 4π, 5π, 6π, 7π ऐसे होता है। तो ऑल एस टी सी, यहाँ पर सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर है 3π + π/4, 3π + π/4, तो आप देखो यहाँ से घूम के यहाँ आए तो 2π, देन यहाँ पर 3π हुआ, प्लस 5/4 मतलब ये क्वाड्रेंट में है आप, तो यहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर cos 3π + π/4 है, तो उसको आप लिख सकते हैं -cos π/4। आंसर आपका यहाँ पर पाई बाई टू होता ना तो cos का साइन हो जाता, लेकिन साइन प्लस आएगी कि माइनस ये यहीं से पता लगेगा, 3π+ है इसलिए। देखो यहाँ पाई होगा, फिर 3π, फिर यहाँ पर 4π, 5π, 6π, 7π ऐसे होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ आ रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है आपकी कैसे होगी, माइनस, और आप जानते हैं cos π/4 की है वैल्यू है 1/√2, तो आपका जो आंसर होगा वो मीटर में ऐसे मिल जाएगा। तो 5/√2 करोगे, मैं बुक से आंसर लिख रही हूँ, 3.535 आंसर होगा आपका। ओके, सेम वे अगर मुझे स्पीड चाहिए तो v की क्या फॉर्मूला थी, ऐसा था हमारा फॉर्मूला -a(ω)(sin(ωt+y)। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ तो a की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये इक्वेशन है उसको ओरिजिनल इक्वेशन मतलब a cos ωt+5 के साथ कंपेयर करोगे आप, तो देख सकते हैं a = 5 दिख रहा है आपको, ω = क्या होगा 2π, एंड इनिशियल फेज φ = क्या है π/4। ओके, तो यहाँ पर वो वैल्यू अगर हम रखेंगे, a की वैल्यू हमें क्या मिली है 5, तो 5 लिख सकते हैं, ओमेगा है दिख रहा है आपको 2π, क्यों है वो है ना, तो ओमेगा की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 2π (sin), देखो ब्रैकेट में वही टर्म है 2πt + π/4, ओमेगा की वैल्यू फिर से 2π, फिर टी प्लस φ = क्या लेना है मुझे π/4। अब स्मॉल t की वैल्यू क्या लेनी है, 5 × 2 = 10, तो मैं लिख रही हूँ 10π sin, ये क्या होगा 2π × 1.5 होगा, स्मॉल t 1.5 लेना है इसलिए, फिर से ये टर्म हो गई 3π, तो 10π × sin 3π + π/4, फिर से 3π + π/4, तो इसी क्वाड्रेंट में तो sin तो नेगेटिव है, सिर्फ 10 पॉजिटिव है, तो माइनस sin π/4 होगा, और माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 10π × sin π/4, फिर से sin π/4 दैट इज 1/√2, तो आप ले सकते हैं 10π × 1/√2, तो आपका जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। बुक से आंसर लिखूंगी मैं, 22 अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल रहा है मीटर पर सेकंड। देन हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की हमने ऐसी फॉर्मूला बनाई थी -ω² x, डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं ω = है हमारे पास 2π, तो 2π² और x हमने ऑलरेडी फाइंड किया है फॉर टाइम t = 1.5, वो है -3.535, माइनस को भी आप कंसिडर करना है ना, 2π² है तो 4π² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मिलेगा। आपका आंसर कुछ आ रहा है 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गए हैं तो इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से बोल रही हूँ मैं, अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना।